Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. सी है ये बात परीक्षा करनी है पास रोके रखना अपनी सांस अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रटले सारे फॉर्मूले जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले तो इस बार तू आड़ दे 6 फुट अंदर गाड़ दे आसमां को फाड़ दे जोर से दहाड़ दे अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है जोर लगा तो जोर लगा Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा Let's crack it. लड़ जरा कुछ कर दिखा Let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा तू काने है बड़ी इनकी भोकते बड़ा भारी है पीका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है तू बाकियों से पीछे है तू देख कितना नीचे है उसके बाप का सिक्का चलता है तेरा बाप कमाता सिक्के है मत सुन इनकी ये धुन इनकी तू बढ़ता जा बस लड़ता जा क्रैक करते जा क्रैक करते जा जोर लगा तो जोर लगा लड़ जरा कुछ कर दिखा क्योंकि तेरे हाथ में करने का अभी मौका तेरे पास में है कसते जा लड़ते जा हिम्मत नहीं हार सबको करके दिखा क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा कर दिखा लड़ के दिखा हेलो एवरीवन नमस्कार मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी शाम के 7 बजे जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले जो आपकी क्लास हुई थी तो कहा था शाम के 7 बजे आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखने वाले हैं जैसा कि पिछले 2-3 लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख ही रहे हैं तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है थंबनेल में तो आप देख ही लेते हो पता है थंबनेल में लिखने के पीछे कारण क्या है कि जितने भी बच्चे जुड़ते हैं आपके पास बुक्स हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर आइए थोड़ा सा पढ़ कर आइए ताकि बातें आपको बिल्कुल समझ में आ जाए ठीक है तो जल्दी से ज़रा लिंक को शेयर कर दो और लेट्स क्रैक इट चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है लेकिन वैसे बच्चे जो अभी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे क्या करना है तो बिल्कुल कमिंग डेज में इतने सारे कोर्सेज सर देखने को मिलेंगे एक बार देख लो अच्छे से SSC है रेलवे है और अदर में DRDO MTS भी लाइनअप है 10 फरवरी से रेलवे की कोर्स शुरुआत होनी थी और नेक्स्ट वीक में आपके DRDO MTS कोर्स देखने को मिल जाएंगे तो बिल्कुल जोर लगा दो अपना किसके साथ तो अनअकैडमी के साथ रोहित सर के साथ तो याद रहे वाईफाई चैंप जिनमें से गेट 10% ऑफ तो आज सबसे पहले बात करते हैं नाम यानी नन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन एक चीज समझना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सर कि आखिर नाम शब्द जो है ये क्यों दिया गया क्यों निकल कर आया जैसा कि आप देख रहे हैं भारत हमेशा शांति का दूत रहा है और हमेशा कबूतर की बात करता है यानी शांति की बात करते हैं तो याद करिए जब भारत आजाद हुआ उसके पहले सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था बिल्कुल समझना कहानी की तरह लोड लेने की जरूरत नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 to 45 और सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर निकला
और अमेरिका सुपर पावर बनकर निकला, लेकिन अमेरिका के साथ साथ एक तरफ निकल गया बालक यूएसए और एक तरफ निकल गया यूएसएसआर। दोनों के बीच हो गया कोल्ड वार। अब सर कोल्ड वार क्या है, शीत युद्ध क्या है, क्या एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर बर्फ का गोला बनाकर फेंकते थे क्या कोल्ड वार, यानी क्या बर्फ बर्फ खेलते थे? नहीं, कोल्ड वार यानी कि मैं अपने पॉलिसी के जरिए मैं तुम्हें मात दूंगा, यानी कोल्ड वार हम ऐसे समझ लें कि वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, हथियार का यूज नहीं करेंगे और अपनी पॉलिसी से आपको तोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे। ठीक है, समझना। ठीक है, अब एक चीज और समझना, यहां तक तो बातें समझ में आ गई, लेकिन यूएसए बाजी मार गया, यूएसए बाजी मार गया और भारत को पूछा गया उसी समय कि भैया आप किसके तरफ हो जरा बता दो। तब भारत कहता है सर मैं अभी आजाद हुआ हूं, अभी तो मैं निकल कर आया हूं विश्व के मानचित्र पर। तो भाई मैं किसी के गुरु पे पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा जो निरपेक्ष होगा, ना यूएसए के तरफ होंगे ना यूएसएसआर के तरफ होंगे, इसीलिए ऐसा गुट जो किसी के पक्ष में ना हो, निरपेक्ष हो, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बिल्कुल समझना अच्छे तरीके से। इसके बाद यूएसए बाजी मारा और 1991-1992 में, दिसंबर 1991 में सर यूएसएसआर का 12 भागों में डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, यूएसए ने क्या किया, करवा दिया। तो आज आप जितने भी स्थान देखते हैं ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब, क्रीमिया, यूक्रेन, सब किसके भाग हैं, यूएसएसआर के भाग हैं। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री गुट निरपेक्ष आंदोलन की कहानी की, क्यों गुट निरपेक्ष आंदोलन निकल कर आया। अब ओरिजिनल देखते हैं कि सर गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसा कि मैंने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ, तो शीत युद्ध के दौरान गठित हुआ है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वार। कोल्ड वार किसके किसके बीच हुआ, तो अभी कुछ देर पहले बताया आपको सर, यूएसआर वर्सेस यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। और पहली बार जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ बच्चे, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, कब, सितंबर 1961 में। अच्छे तरीके समझते चलना, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। तो सर किसने किया था, तो तीन मुख्य रूप से माने जाते हैं, कौन, देखो कैसे याद रखेंगे, नेहरू नासिर टीटो। तीन भाई थे, तीनों ने क्या किया, बोला चल एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा, नाम, यानी नेहरू नासिर टीटो। तो टीटो कौन, यूगोस्लाविया के, जोसेफ ब्रॉज टीटो मिस्र के, नासिर गमाल अब्दुल नासिर और भारत के जवाहरलाल नेहरू, यानी कौन थे बच्चे, तीन लोग थे। कौन लोग थे, तीन लोग थे, कौन कौन थे याद रहेगा, तो टीटो, नासिर और नेहरू। याद रखने का तरीका यही है कि जितने आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो एग्जाम के लिए आपके लिए मजा आएगा, फिर याद रहेगा, नेहरू, टीटो और नासिर, जैसे याद रखिए आप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिर अब सर अध्यक्षता जो हुआ, किसके लीडरशिप में यह बैठक हुई थी, ये आप हमेशा याद रखना, तो घाना के क्वामे निक्रमा और इंडोनेशिया का सुकर्नो, ये भी कौन थे, राष्ट्रपति थे। अब देखिए एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि पहली बार जो रिपब्लिक डे में कोई ना कोई तो आता है, किसी ना किसी को निमंत्रण करते हैं, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा पहली बार गणतंत्र दिवस में कौन चीफ गेस्ट के रूप में आया था। पहली बार गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी में कौन चीफ गेस्ट के रूप में आया था। चलिए नमस्ते भैया, चलिए हाँ वही है, गुट निरपेक्षता से अर्थ है गुट से दूर रहना, वही तो कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, बहुत बढ़िया, बता दो कौन आया था।
पहली बार सुकर्णो ही आए थे, इसीलिए दिखा तो मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सुकर्णो याद रखना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। सर एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो कितने सदस्य हैं नैम में? नैम में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं, और 120 सदस्य में से 17 देश हैं, 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, और इस 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कई सारे सदस्य होंगे, इसीलिए 120 हैं और 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो नाम में पर्यवेक्षक हैं, जो नाम में पर्यवेक्षक। सर सैटरडे और संडे को आपकी DRDO क्लास ऑफ रहती है? हाँ डियर्स, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो लेक्चर होते हैं और सैटरडे और संडे स्पेशल लेक्चर हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए बाबू? चलो तो यहां समझ में आएगा कुल सदस्य कितने हैं, 120 हैं, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कितने हैं, तो 17 कंट्री और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, चलिए अब 17वीं बैठक जो हुई थी ये इंपॉर्टेंट रखता है। 17वीं शिखर बैठक जो हुआ कहां? वेनेजुएला में 2016 में, और 18वां बैठक जो हुआ कहां? 18वीं शिखर बैठक 2019 में अजरबैजान में, बाकू अजरबैजान में। कहां हुआ बालक? तो बाकू में हुआ, अजरबैजान में हुआ 2019 का बैठक। अब आते हैं नाटो। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है आपका कि सर नाटो का फुल फॉर्म बता दो, तो क्या होगा नाटो का फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। हमेशा कोशिश करिए जब भी फुल फॉर्म की बात करेंगे ना तो बिना देखे केवल इसको तोड़िए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, याद अभी देखना, हमने देखा नैम, नाटो देखेंगे, सार्क देखेंगे, इसके बाद मॉक टेस्ट जो लगाते हो चैप्टर के बाद वो बिल्कुल। ठीक है चलिए आगे देखिए। अब अगर हम बात करें इसे क्या कहा जाता है, इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, यानी नाटो को वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। स्थापना की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स होगा, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपके? यानी वाशिंगटन संधि भी कहेंगे इसे। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ और हेडक्वार्टर कहां होगा? ब्रुसेल्स होगा, बेल्जियम होगा। नेक्स्ट की बात करें, सर सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या 29 है, कुल सदस्यों की संख्या 29 है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? मजा आ रहा है ना, सीख रहे हो ना कुछ कुछ? किशन ठाकुर जी, अच्छा ये बताओ किसको लिखा जो आपने लिखा, किसको लिखा? अच्छा बताओ किसको लिखा, जरा कमेंट बॉक्स से बताओ आज, वो किसको इंडिकेट किया? साधना गुप्ता भी कह रही, किसको इंडिकेट कर रहे हो यार, गलत बात है ना, किसी का नाम कामिनी है तो क्या बना दोगे बताओ, गलत बात। ठीक है चलो आगे देखो। तो अब मोंटेनिग्रो बिकमिंग द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन द अलायंस इन 2017, मोंटेनिग्रो 2017 में गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बन गया, या हो सकता है क्वेश्चन ऐसे कर दे अंतिम सदस्य। पता है आप लोग जो भी लिखते हो ना, जो भी लिखते हो हमारी जो टेक्निकल टीम है सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर है। ठीक है, इसीलिए वैसा कुछ मत करना, नजर गड़ाए रखते हैं वो। ठीक है चलिए, जो आप कह रहे हो ना कि 30 है सर, उसे कंट्री नहीं मानता माना गया है, इसीलिए परेशान मत हो। ठीक है, जब अगर ऑप्शन में आपके रहे 29 और 30 तो 30 मार के चले आना,
लेकिन इसे कंट्री के रूप में मानता नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। जितने भी 30 मेंबर वाले हैं, थोड़ा सा काम डाउन, ठीक है। चलिए, तो सर नाटो ने केवल 12 सितंबर 2001 को एक बार आक्रमण किया है यूएस में, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ था, 9/11 हुआ था। इसके बाद जो आर्टिकल फाइव के अंतर्गत एक बार आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। 9/11 याद है, यानी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC को उड़ा दिया गया था तालिबानियों के द्वारा। भारत में भी एक बार घटना घट चुका है, जिसे हम 26/11 कहते हैं, जो मुंबई अटैक हुआ है 2008 में। कब हुआ था? मुंबई अटैक हुआ है 2008 में, ठीक है बच्चों। इंडियन आर्मी जी, देखे सही लिख दिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम काउंट नहीं करते हैं उसे, ठीक है। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं सार्क की, यानी सार्क की बात करें तो सर सार्क का फुल फॉर्म सबसे पहले समझते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। यानी सार्क का फुल फॉर्म क्या होगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम हिंदी में दक्षेस कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करें, समझते चलना। सर इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? काठमांडू। स्थापना ढाका। कब स्थापना हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। एक बात समझना, इसकी स्थापना होती है ढाका में, हेडक्वार्टर कहां बनता है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। एक चीज हमेशा याद रखना, हेडक्वार्टर बहुत बच्चे गलती करते हैं। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ढाका किसका हेडक्वार्टर है? बिमस्टेक या आसियान का? जल्दी, ढाका किसका हेडक्वार्टर है? बिमस्टेक का है या आसियान का है? जल्दी, क्या होगा? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की बात करें तो मेंबर कौन है? जैसे मैं आपको हमेशा याद करता हूं, कराता हूं, एमबीबीएस पीन। तो सर आ अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बाद में शामिल हुआ है। बिमस्टेक का ढाका और आसियान का जकार्ता। बिमस्टेक का कहां होगा? बिमस्टेक का ढाका, आसियान का जकार्ता, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो, अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ इसलिए इसे अलग रखते हैं। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल। यानी कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो 4, 3, 7 और 1 8 सदस्य हैं। कितने बच्चे? 8 सदस्य हैं। लास्ट सार्क समिट जो हुआ है वो कहां हुआ है? 2014 में लास्ट सार्क समिट हुआ था काठमांडू में। यानी 2014 में अंतिम सार्क सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने भाग लिया था। नेक्स्ट होना था कहां? पाकिस्तान में। इंडिया कहां नहीं जाएंगे, कैंसल हो गया। सार्क फॉरेन मिनिस्टर यानी सार्क विदेश मंत्री की बैठक 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो लिंक को एक बार शेयर कर दो, मजा आ जाए। नहीं, चलिए अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट की ओर। अभी हम लोगों ने नाटो देखा, अभी हम लोगों ने नैम देखा, अभी हम लोगों ने सार्क देखा। तो चलिए जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वी आर रेडी, यानी ये फेज वन की शुरुआत हो गई। अब देखते हैं कि इसमें कितना है दम, ठीक है।
चलिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो कि बिल्कुल सर वी आर रेडी, क्योंकि अभी देखें किसमें कितना है दम, कितने क्वेश्चन सही करेंगे आप। चलिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सार्क वॉज हेल्ड इन सार्क की पहली बैठक आयोजित की गई थी कहां? ढाका, बैंगलोर, काठमांडू या इस्लामाबाद? सिवली गौर करिए सर, थोड़ा हंस लो। चलो क्या होगा ये आसान सवाल? बिल्कुल ढाका, बांग्लादेश, क्योंकि 1985 में स्थापना होता है सार्क का। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताना फाउंडर कौन थे इसके, इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, क्योंकि देखो कुछ कुछ तो दिमाग तो यूज कराएंगे आपका यार। 1400 ग्राम है हार्ड डिस्क आपका, तो थोड़ा सा तो दिमाग यूज कराएं। संस्थापक कौन थे जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत के नेतृत्व में अफ्रीका फंड कार्रवाई के लिए आक्रमण, उपनिवेश और रंगभेद के खिलाफ द्वारा स्थापित किया गया था, द अफ्रीकी फंड। चलिए, अंडर इंडियाज लीडरशिप वॉज इंस्टीट्यूटेड क्या किया गया, SCO, सार्क, नैम या नेटो? जिनको लग रहा है कि बच्चे वाली क्वेश्चन है सर, इस बार यूपीएससी का फॉर्म आएगा, भर देना। यूपीएससी का फॉर्म आएगा, यूपीएससी का फॉर्म भरना और बताना स्कोर कितना आया है। सर ये थोड़ी सी हिंट तो कर ही दिया, अफ्रीका फंड की बात कर दिया, वो अफ्रीका फंड की बात कर दिया तो क्या निकल कर आ जाएगा हमारा? नैम। क्या निकल कर आएगा? नाम निकल कर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए, एक्सरसाइज ट्राइडेंट जंक्चर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ, ट्राइडेंट जंक्चर अभ्यास किसका एक सैन्य अभ्यास है, नाम का, नेटो का, सार्क का या SCO का? चलिए, टेंशन ना लो, SCO को भी पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, SCO के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या होगा इसका? अरे सर जैसे ही ट्राइडेंट जंक्शन की बात किया क्या निकल कर आएगा? नेटो। क्या निकल कर आएगा बालक? क्योंकि देखो एक सैन्य जो सैन्य शक्ति है, संधि संगठन है, कौन सा है? नेटो तो है। ये सबसे पहले कब किया गया पता है कि सर? ट्राइडेंट जंक्चर 18, जिसको फुल संक्षेपण में TRJ 18 कहा जाता है, अक्टूबर और नवंबर 2018 में नॉर्वे में एक अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा परिदृश्य के साथ आयोजित नाटो के नेतृत्व वाला सैन्य अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि ये सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया, तो नॉर्वे में आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। Which of the following is a member of SAARC? निम्नलिखित में से कौन SAARC का सदस्य है? चलिए, मॉरिशस, म्यांमार, मालदीव या मलेशिया, क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए मालदीव, एक तो जवाब दिख गया किसी का, म्यांमार, बहुत बढ़िया, नॉर्वे, मालदीव। चलिए बताइए जवाब क्या होगा जल्दी। मालदीव होगा। यार बच्चे बहुत तेज हो गए, स्मार्ट हो गए सारे। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज अच्छा लगता है ना जब जवाब सही मिलता है। अरे यार ऐसा ही तो, देखो थोड़ी सी तो मैंने हिंट कर रखा था, सारे में स्पेस दे रखा था, इसमें स्पेस दिया नहीं, थोड़ा सा तो हिंट कर लो। यानी मालदीव सदस्य है, अदरवाइज ये एम का जो चक्कर है ना, इसी में से हम गलती करते हैं, इसी में से गलती करते हैं। तो मालदीव सदस्य है, मॉरिशस, म्यांमार, मलेशिया, ये क्या है? SAARC का सदस्य नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नाटो का 29वां सदस्य बना है? सर्बिया, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो या क्रोएशिया? हेमंत कुमार कह रहे हैं सर अभी तो पढ़ाया आपने, बहुत बढ़िया, फिर भी तो मालदीव कह रहे हो। देखो कई लोग म्यांमार के चक्कर में हैं। मोंटेनेग्रो 29वां सदस्य है, ये मोंटेनेग्रो 29वां सदस्य है सर। 2017 में मोंटेनेग्रो नाटो गठबंधन का 29वां सदस्य बनता है, 29वां मेंबर बनता है, और नाटो की स्थापना में 12 देशों ने भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि नाटो के स्थापना में शुरुआत में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो कौन कौन? बेल्जियम, कैनेडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। यह हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाटो के स्थापना में इनमें से कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नैम का संस्थापक सदस्य नहीं है? मिस्र, इंडोनेशिया, कोसोवो या युगोस्लाविया? ये भी हलवा वाली क्वेश्चन है। तो कौन नहीं है बच्चा? कोसोवो नहीं है, जबकि नेहरू, नासिर और टीटो ये तीनों संस्थापक हैं। तो नेहरू कहां भारत की बात करते हैं, नासिर और टीटो युगोस्लाविया, नासिर की बात करेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे पहले नैम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में कहां आयोजित किया गया था? यानी सबसे पहले नैम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, कैरो, अकरा या घाना की कैपिटल या बेलग्रेड? तो क्या होगा, सबसे पहले नैम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? बेलग्रेड, युगोस्लाविया में आयोजित किया गया। कहां किया गया बच्चों? बेलग्रेड, युगोस्लाविया में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक कतर क्वेश्चन से समझना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अफगानिस्तान ज्वाइन द सार्क एज इट्स 8th मेंबर स्टेट, यानी अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ था? 2009, 2007, 2008, 2006। चलिए कब शामिल होता है बालक 2007 में यह शामिल होता है। यानी मैं अभी कुछ देर पहले कहा कि 2007-08 में यह शामिल होता है। कब शामिल होता है? 2007 में शामिल होने के बाद सार्क के कुल सदस्यों की संख्या 8 हो जाती है। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1967, 85, 97 या 89? अब इसमें जो ऑप्शन देख रहे होंगे कई सारे क्वेश्चन निकल कर आ जाएंगे, पता है कैसे? सार्क की स्थापना की बात करेंगे तो ये क्या होगा? 1985। अब जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आसियान की स्थापना और बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? आसियान और बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? यहां आपके सामने चार ऑप्शन है, इसी में से निकालना है आपको। आसियान और बिम्स्टेक की स्थापना कब की हुई? जल्दी, आसियान और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ है यह आपके सामने ऑप्शन है, जरा बताना है आपको। बताओ 1967 क्या होगा? आसियान की बात करेंगे 1967, बिम्स्टेक की बात करेंगे 1997, बिम्स्टेक की बात करेंगे 1997। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस सार्क सदस्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत या अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से किस सार्क सदस्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है या अफगानिस्तान है? क्या होगा? जल्दी, क्या होगा बच्चा? अरे सिंपल सा कुछ सवाल में तो दम ही नहीं है। सबसे वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये चाइना नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे इंडिया है,
दूसरे नंबर पे इंडिया है। सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सी सोच, थोड़ा सा सोचना पड़ा कि सार्क सदस्य के बीच में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। समझ में आ गया बातों को? यानी बांग्लादेश कैसे कह रहे हो यार, देखो कई लोग बांग्लादेश के चक्कर में है, हे भगवान क्या होगा इनका, बांग्लादेश कैसे होगा, नंबर वन चाइना है, नंबर टू कौन होगा, इंडिया होगा ना, तो इंडिया से ज्यादा किसके पास जनसंख्या है। अगर यहां पे कहते कि सर मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता आपको। ठीक है, आगे देखो। अब तक सार्क की एकमात्र महिला महासचिव कौन बनी है, बेनजीर भुट्टो, खालिदा जिया, फातिमात, ध्याना सईद या हिना रबानी खार। क्वेश्चन नंबर 11, डियर देखो, जो सुबह वाली जो मैम पढ़ाती ना कृति मैम, उसमें मुझे ना बहुत ज्यादा लिखने की आदत है, इस कारण से मुझे, मैं मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता उसमें, इसीलिए मैं इसमें पढ़ाता हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना यार, पढ़ने से मतलब है। अब मान लो अभी ऑनलाइन एग्जाम है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अरे सर अब ऑफलाइन एग्जाम ले लो, तो क्या करें, ऑफलाइन रेलवे लेगा तब ना। ठीक है सर, क्या होगा, फातिमात ध्याना सईद इज राइट। बेनजीर भुट्टो पहली महिला प्रधानमंत्री किसी भी मुस्लिम कंट्री की बात करें, खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली पीएम, महिला पीएम। अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी। अब देखो कितने लोग बच्चे कह रहे थे सर ये हलवा वाली क्वेश्चन है, मैंने पूछा कि पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री, जैसे भारत की पहली महिला विदेश मंत्री इंदिरा गांधी है, पूर्ण रूपेण की बात करेंगे, फुल फ्लेज की बात करेंगे, तब कौन होगा विदेश मंत्री, जो अभी आपके वित्त मंत्री हैं। तो पाकिस्तान की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें, विदेश मंत्री की बात करें, तो हिना रब्बानी खार पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री हैं। कौन है, हिना रब्बानी खार हैं। ठीक है, पितामथ ध्याना सईद एक मालदीव के राजनयिक हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव थे। 1985 में संगठन की स्थापना के बाद वह इस पद पर को संभालने वाली पहली महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य प्रमुखों और सरकार के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई किसके द्वारा, तो नई दिल्ली के द्वारा, बाकू के द्वारा, हवाना के द्वारा या कैरो के द्वारा। हाँ विकास यादव जी बहुत बढ़िया, मैं भी मैम का शो देखता हूं, लाजवाब, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या होगा सर, अभी कुछ देर पहले कहा अजरबैजान कहां हुआ, अजरबैजान कैपिटल बाकू, क्या होगा, बाकू इज राइट। ठीक है चलिए आगे देखिए। चाह सर गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन 25 से 26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित किया गया, वारसा, ब्रुसेल्स, वाटफोर्ड या लिस्बन। चलिए चलिए बताइए क्या होगा। अरे छोड़ो मुझे ये नहीं करना कौन बेस्ट है कौन नहीं, बस आप लोग ना यही करते रह जाते हो सर वो बेस्ट है ये बेस्ट है, जॉब लो, पढ़ाई करो, जॉब लो और निकलो। कब तक पढ़ोगे, इसके बाद आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं वो कहेंगे दीदी कब तक पढ़ेंगी,
तो बे आप तो कंपेयर करिए ना, आप सीधा से बात है, जॉब लीजिए, जो अच्छा लगता है पढ़ाई करिए। वाटफोर्ड की बात करते हैं तो नाटो शिखर सम्मेलन 2019 कहां आयोजित हुआ? वाटफोर्ड हुआ। अगर कंट्री की बात करते तो यूके सिटी की बात करते तो क्या होगा? लंदन होगा। क्या होगा? लंदन होगा। यानी सर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 2019 लंदन शिखर सम्मेलन राज्य के प्रमुखों और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के प्रमुखों की 30वीं औपचारिक बैठक थी। 30वीं औपचारिक बैठक थी तो कहां हुआ? यह ग्रोव वाटफोर्ड जो कहां है, यूनाइटेड किंगडम में है, हर्टफोर्डशायर में 3 और 4 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। आप सोचो कितना डेप्थ गया ये, कितना डेप्थ सवाल है। अभी लंदन होता तो आप सही कर देते, लंदन होता तो आप सही कर देते। नाटो का गठन किस वर्ष हुआ? ये हलवा वाली क्वेश्चन है। नाटो फॉर्मड इन विच ईयर, नाटो का गठन किस वर्ष किया गया? 1949, 1959, 1969 या 1979, क्या होगा? में नाटो का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, नाटो में कितने सदस्य हैं ये मैं बता चुका हूं कुछ देर पहले, 29 हैं। आप कह रहे हो 30, तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि मैं सदस्य की बात करूं तो क्या होगा? 29 होगा। क्या होगा? 29। नाटो का मुख्यालय कहां है? लंदन, बेलग्रेड, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स। तो नाटो के मुख्यालय की बात करेंगे तो लंदन, बेलग्रेड, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स। तो नाटो का मुख्यालय कहां होगा? ब्रसेल्स में होगा। नाटो का मुख्यालय कहां होगा? ब्रसेल्स में होगा। कहां होगा बालक? ब्रसेल्स में होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं विदाउट ऑप्शंस। चलिए जरा सा लिखिए, वाईफाई चैंप, वी आर रेडी। और जिनको प्लस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बस कोड याद रखिएगा, वाईफाई चैंप। अभी मैं बता दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से स्टेप है यूज करेंगे जो आसानी से हम अवेल कर सकते हैं। तो क्या होगा? चलिए जल्दी बताइए, तैयार है? लिखिए जरा, वी आर रेडी सर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता किस वर्ष मिली है? इन विच ईयर डिड सोनिया गांधी रिसीव सिटीजनशिप इन इंडिया? चलो बच्चा दिख गया, प्राइज पर वीडियो बना दिया जाएगा, परेशान ना हो, पहले इसका जवाब दे दो। ठीक है, मन भर गया ऑर्गेनाइजेशन से, क्या होगा बताओ? 1983 की बात है ये। 2014 कौन कह रहे हो? 27 अप्रैल 1983 को अपने जो इटली का पासपोर्ट था ना, उसने इटली दूतावास को सौंप दिया, क्योंकि इटली राष्ट्रीयता कानून ने 1992 तक दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं दी थी, समझना। तो सर इसलिए 1983 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से उसने स्वचालित रूप से इतालवी नागरिकता खो दी है। यानी वहां आप ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है, अब जैसे ही आपने इंडियन सिटीजनशिप लिया, आपकी जो इटली की नागरिकता चली गई, इटली की नागरिकता चली गई। क्या होगा? 1983। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, सर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, तो इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी अपने बहू को भारत की नागरिकता दिला देती है। याद रख ले, ऐसे भी अपने बहू को नागरिकता दिला देती है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द सेकेंड इंडियन वीमेन टू गो इनटू स्पेस? क्या होगा? हाँ, यह भी कह सकते हैं कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता उसी खुशखबरी में नागरिकता मिल गई इनकी। चलिए बताओ क्या होगा? जतिन राकेश कुमार जी, नौकरी ले लीजिए, आपको भी मिल जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और पता है, नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत मुश्किल है। लड़का क्या करता है? अभी तक तैयारी कर रहा है। सर सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय की बात किया, दूसरी भारतीय की बात कर रहा है तो कल्पना चावला पहली हो जाएगी। यानी सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद
भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई जब अमेरिकी सैटेलाइट डिस्कवरी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। तो कौन से सटल? डिस्कवरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन अ नोबेल प्राइज? चलिए जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी। हाँ, दीपक पांडे जी सबसे ज्यादा 195 दिन तक रही थी, उसका रिकॉर्ड टूटा है। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। कौन थे? सीवी रमन। 1913 नहीं 1930 होगा, 1913 कहोगे तो क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर होगा, जो गलत हो जाएगा आपका। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन इफेक्ट के लिए 1930 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप सोचे सर 1913, अब सोचो ना ये आर एन टैगोर हैं जो लिटरेचर के लिए मिला, लेकिन मैंने पूछा साइंटिस्ट, तब क्या होगा? 1930 होगा। क्या होगा? 1930 होगा। ठीक है, चलिए। हु इज द सेकेंड इंडियन वीमेन टू विन द मिस यूनिवर्स टाइटल? मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? चलिए बताओ जल्दी क्या होगा बालक। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? याद नहीं रहता है तो भैया याद रखना पड़ेगा। कौन याद रखेगा? ऐसा अगर होता ना कि एक असिस्टेंट होता साथ में याद रखने का, जैसे एग्जाम में हो जाते, एक एक असिस्टेंट लेकर जाते, जिसका असिस्टेंट तेज उसकी नौकरी पक्की। क्या सही है ना? तो सब अपने अपने असिस्टेंट रखते, असिस्टेंट को पूरा खिला पिला के ना तरोताजा रखते, मोटा तगड़ा बना देते कि भैया तुम्हें याद रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, क्या करें, अपनी असिस्टेंट कौन है? आपका ब्रेन है, आपकी सोच है। तो मिस यूनिवर्स की बात करेंगे, लारा दत्ता सुष्मिता सेन पहली है। 1994 में सुष्मिता सेन जीती है और 2000 ईस्वी में जब प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड का खिताब जीती, तब जाकर लारा दत्ता क्या बन गई? दूसरी मिस यूनिवर्स बन गई। क्योंकि सुष्मिता सेन कब बनी? 1994 में, जब मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बनती हैं। ठीक है, ऐश्वर्या राय बनती हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। कौन पहले सबसे कम उम्र के बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं? चलिए बताओ क्या होगा जल्दी। क्या होगा सर? अब देखो समझना, कहा सबसे कम उम्र की, मैं बता दे रहा हूं, अब तक 4 राइटर को बुकर पुरस्कार मिल चुका है। अब पहला क्वेश्चन बनेगा कितने राइटर को? तो 4 भारतीय लेखक को। अरविंद अडिगा को 2008, और जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन होगा किरण देसाई, क्या होगा बालक? किरण देसाई। क्या हो अरुंधति रॉय? गलत हो जाएगा, याद रखना किरण देसाई इज राइट। अब ऐसे सोचो ना, वाली, अरे यार यहां हिंदी लिखी है, वाला नहीं है, मैंने थोड़ा सा और ट्विस्ट किया, यहां लिख दिया वाली भारतीय है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फीमेल होंगी, मेल तो होगा नहीं। अब 4 हैं, तो अरविंद अडिगा को 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए, किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। तो सबसे पहले किसको मिला? सलमान रुश्दी को मिला है। शिवली गौड़ करी सर, मैं तो आपको साथ ले जाती, मैं चला भी जाता पक्का, अगर आप ले जाती तो मैं चला भी जाता। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। चलिए रामवीर चौहान करें सर, ये मस्त क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ, मैन बुकर बुकर एक ही है बच्चा। आज ही पढ़ा फातिमा बीवी, बहुत बढ़िया। जिसने भी पढ़ा और जिसने भी पढ़ाया वो बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो कोई नहीं है। अब किसने पढ़ाया, कौन पढ़ा बताओ। सर फातिमा बीवी हैं, लेकिन फातिमा बीवी हैं लेकिन वो सीजीआई नहीं थी, वो क्या थी, न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या थी, न्यायाधीश थी सुप्रीम कोर्ट में। ये क्या पूछा गया, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अरे थोड़ा सा तो देख लो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ऊटी किस राज्य में स्थित है, ऊटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऊटी किस राज्य में स्थित है। चलिए आज कृति मैम ने बताया, मैंने देखा क्लास में, कृति मैम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली जज, उन्होंने ये नहीं कहा कि सीजेआई हैं। अब आपने गलत समझ लिया तो क्या किया जाए बताओ। बताओ क्या होगा, ऊटी किस राज्य में स्थित है, कितना खूबसूरत जगह है, नौकरी लगेगा तो जाना एक बार जरूर। ठीक है, तमिलनाडु। कहाँ है सर ऊटी, जिसे हम उधक मंडलम कहते हैं, पश्चिमी घाट पहाड़ों में एक रिजॉर्ट शहर है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में लोकेट है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड सब कुछ कराते जा रहे हैं नेबरिंग कंट्री की। याद रखना, एसएससी जो एग्जाम लिया था बहुत पूछा था, तो ये अब नोट करते रहना अपने नोटबुक में, ताकि ये क्वेश्चन जब आए तो गलती हो ना, ना गलत करके आना। ठीक है, यानी अगर हम बात करें सर अफगानिस्तान, देखने से ही लग रहा है क्या, नेशनल बर्ड ऑफ अफगानिस्तान की बात करें बच्चों तो गोल्डन ईगल है। क्या होगा, गोल्डन ईगल। अक्विला क्राइस्टोस, ये इसके साइंटिफिक नेम हो गए, ये इसके साइंटिफिक नेम। अब देखो लगता है सर कम क्वेश्चन है, कितने ज्यादा नॉलेज है आप ये खुद सोच सकते हो, क्या होगा, ईगल है, बाज है, वल्चर नहीं, जो गिद्ध कह रहे हैं ना बच्चा वो वल्चर होगा, ये क्या है, ये ईगल है, यानी हिंदी की बात करें तो बाज। ठीक है, सोगदू किस देश की संसद है, सोगदू इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, सोगदू किस देश की संसद है, बांग्लादेश, बहामास, बहरीन या भूटान। हाँ, राज मूवी की शूटिंग हो गई थी, आपको भी भेजेंगे वहीं। ठीक है, आपको भी मैं भेज दूंगा वहीं, जॉब तो ले लो इसके बाद चले जाना। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा, ये भूटान, क्या होगा बालक, भूटान होगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने कुछ पार्लियामेंट्री यानी नाम दिया पार्लियामेंट का, ताकि याद रहे। आज भी आपको आज के ज्ञान में ऐसा ही 10 कंट्री का नाम है जो आपके आने वाले पेपर के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें बहामास की। बहामास की संसद का नाम जनरल असेंबली है, बहरीन के संसद का नाम कंसल्टेटिव काउंसिल है, बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय पार्लियामेंट है, और भूटान का नाम सोगदू है। भूटान के संसद का नाम क्या है, सोगदू है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें बोलीविया, बोलीविया का नेशनल कांग्रेस
बोत्सवाना का नेशनल असेंबली, ब्राजील का नेशनल कांग्रेस और ब्रिटेन के बच्चा संसद है। दो संसद, वहां का संसद क्या है, यानी लोकसभा और राज्यसभा है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे तो लोकसभा के बराबर, कॉमन लॉर्ड्स की बात करेंगे राज्यसभा के बराबर। ब्रुनेई के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और बुल्गारिया के संसद का नाम नरोदनी सुब्रानी। यही सब पूछता है एग्जाम में, यही सब एग्जाम में पूछता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। और ये देखिए, कई सारे बच्चे कह रहे थे सर अनअकैडमी पे कैसे कैसे जाना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों जिनको लेना है और जिनको नहीं लेना है देख लो, क्या पता कल हो के अगर हमें लगे या किसी को बताना पड़ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमिक लर्निंग ऐप, जाने के बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप है। ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद जो तीसरा स्टेप होगा, मोबाइल नंबर डालना है। अब यहां देखो मोबाइल नंबर डाला हुआ है किसी का, तो मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे 6 डिजिट का OTP आएगा आपको, और याद रहे वो मोबाइल नंबर उसी मोबाइल में लगा रहना है ताकि आपके OTP आएगा और खुद ब खुद ले लेगा। OTP आने के बाद 6 डिजिट का OTP यहां इंटर करना है। इंटर कर लेंगे OTP, जैसे ही इंटर करेंगे बच्चा, इंटर करने के बाद देखना मैनेज गोल में 3 डंडी बनी होगी, ये 3 डंडी, वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना है जिस एग्जाम की तैयारी करते, चाहे बैंक हो, SSC हो, रेलवे हो, डिफेंस हो। जैसे ही मैंने वहां सेलेक्ट किया, मान लो बैंक या रेलवे, सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे यहां गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे भी देखो संदीप सर की फोटो लगी है, यानी बैंक में पढ़ा रहे हैं वो। बच्चे ने क्या किया, अपना गोल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्रिप्शन यहां आ गए। अब जैसे ही सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आ जाएगा कि भैया कितने मंथ की तैयारी। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, अब्राहम लिंकन कहा करते थे, पुरानी कोट पहनो, नई किताबें खरीदो। यानी सर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार सिलेक्शन ले लिए, इसके बाद ऐसे पैसे ऐसे चुटकियों में आएंगे आप। तो इसलिए क्योंकि देखो प्री के साथ हम मेंस की भी तैयारी कर लें, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल जो वाईफाई चैंप टीम है वो आपको करा दे। जैसे ही हम मंथ चुनते हैं, चुनने के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे करेंगे बालक, फिर क्या होगा, रेफरल कोड मांगता है। जैसे ही रेफरल कोड मांगेगा, हम ये डाल वाईफाई चैंप, जैसे ही डालेंगे अप्लाई करेंगे तो ये दिखाएगा 6,000 रुपया। जैसे ही रेफरल कोड डाला, 10% का क्या होगा, 10% का डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट होने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपके लिए क्या होगा, सेलेक्ट पेमेंट मेथड आएगा, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, भीम ऐप हो, जो भी हो, जिससे भी हो, आप उसे क्या कर सकते हो, या नेट बैंकिंग हो, EMI का भी की भी सुविधा है, EMI भी कर सकते हो। जैसे ही आएंगे डेबिट कार्ड में, ये हमारा 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और तब कटेगा 5,400 रुपया, ठीक है। जैसे सेलेक्ट किया, 5,400 कटा, ये पूरा का पूरा आपका दिखा दिया। ये उसी को मैंने फिगर के जरिए दिखाया, और ये आपके 7 स्टेप हैं, जो आप स्नैपशॉट लेके भी देख सकते हो, ठीक है। और इसलिए दिखाया बच्चों, ताकि रेलवे की जो क्लासेज हैं वो शुरू हो चुकी है, तो जुड़ना मत भूलिए, ज्वाइन करिए, और कोड याद रखिए वाईफाई चैम। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी दोस्त का भला हो जाए आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।